हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो शाम के 4 बजे स्टार्ट हो रही है और आज की वीडियो में हमारे साथ सुबह अर्ली मॉर्निंग लगा लो 11 बजे 12 बजे करीब ना, हमारे साथ एक स्कैम होते होते बचा है कि सुबह के ना 11 बजे हमें एक अननोन नंबर पे कॉल आई, स्कैम कॉल आई। तो सबसे पहले तो वो बोलते हैं कि ना हमारी गलती से ना आपके अकाउंट में 5,000 रुपये चले गए हैं। वो भी मैंने नहीं भेजा, उनकी बोल रहे हैं कि उन मेरी अम्मी ने भेजे हैं, गलती से आपके नंबर पर चले गए ना 5,000। तो उसके बाद कॉल करके हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं और तंग कर रहे हैं कि हमारे ना 5,000 आपके अकाउंट में आए गलती से, हमें ना रिटर्न कर दो वो 5,000 ना। तो हमने भी देखा, मैंने अकाउंट अपना खोल के देखा, जो हमारा अकाउंट है तो उसको मैंने खोल के देखा कि उसमें अंदर कोई शो ही नहीं हो रहा हमारे, हालाँकि वो नंबर पर भी आते हैं पैसे, जैसे मोबाइल नंबर पे भी आते हैं पैसे और एक अकाउंट में भी आते हैं। तो बट मैंने जब वो अकाउंट खोल के देखा तो मेरा अकाउंट क्रेडिट नहीं हुआ हुआ था। तो उसके बाद है ना दोबारा बार बार कॉल कर करके तंग कर रहे हैं कि अभी हमारे ना हॉस्पिटल में मेरी वाइफ की डिलीवरी हुई है, तो ना हमें पैसों की बहुत ज़रूरत है, गलती से आपके अकाउंट में पैसे चले गए हैं, तो हमें रिटर्न कर दो। तो हमने बोला चलो कोई बात नहीं, गरीब है, गलती से आ गए होंगे, हम रिटर्न कर देते हैं। मैंने ओपन भी कर लिया वो ना जो अकाउंट की ऐप है ना, तो मैंने ओपन करके सर देख रहा हूँ कि अगर इनकी गलती से ट्रांजेक्शन आए तो मैं वापस कर देता हूँ। बट उनका एक भाई, उन्होंने नकली मैसेज, रीप्लान मैसेज उन्होंने खुद अपने मतलब असेंबल करा। बट मैंने जब अकाउंट खोल के देखा, लेकिन अकाउंट में कोई ट्रांजेक्शन आई नहीं थी, कोई पैसे वो ऐड ही नहीं हुए थे। तो उसके बाद इन्होंने एक मैसेज भी किया कि आपके अकाउंट में इतने रिसीव हैं, खाली मैसेज, वो मैसेज रीप्लान मैसेज था और वो खुद उन्होंने बना कर भेजा था। ये अकाउंट में मतलब शो नहीं होंगे पैसे, बट मेरे अकाउंट में पहले से भी 5,000 रुपये क्रेडिट पड़े हुए थे मेरे खुद के। तो पता नहीं उनको कैसे पता चल जाता है, जो स्कैम कॉलर्स होते हैं उनको कैसे पता चल जाता है कि इनके अकाउंट में इतने पैसे, और उतने ही एग्जैक्टली उतने ही बता रहे हैं कि हमारे आपके अकाउंट में इतने चले गए हैं 5,000। हालांकि 5,000 मेरे पहले पड़ा था और उन्होंने खुद जो मैसेज भेजा था ना, वो खुद बनाकर भेजा था कि 5,000 हमारी गलती से चले गए और नीचे लिखा था कि आपके अकाउंट में 10,000 रुपये हो गए हैं, हालांकि हुए नहीं थे, वो 5,000 ही पहले के पड़े हुए थे। इनको पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि इनके अमाउंट में इतनी ही एग्जैक्ट अमाउंट है। आई थिंक ये जो कॉल सेंटर वाले होते हैं ना, ये लोग ही करते हैं ऐसी हरकतें, यही लोग करते हैं जो लूटते हैं आम लोगों को ना। तो फिर उसके बाद बार बार कॉल करके तंग कर रहे हैं। तो फिर मैंने बोला कि चलो भेज देते हैं पैसे, बट उस टाइम हमारे अकाउंट में कोई शो नहीं हो रहा था क्रेडिट। तो मैंने बोला चलो नंबर पर आए होंगे, तो मैसेज आया क्योंकि नंबर पर आए होंगे, तो हम जाके शॉप वाले से जो हो ऐसे इजी लोड वगैरह करते हैं तो उन शॉप से जाके ना निकलवा देंगे। तो फिर कॉल करके बार बार तंग कर रहे हैं कि नहीं नहीं आप शॉप पर नहीं जाओ, हम आप कोड बता देता हूँ, ये कोड डालो तो ना पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, आपको शॉप पे जाने की ज़रूरत नहीं है। बट मुझे ये था कि हमारे खुद के भी पैसे बीच में पड़े हैं लेकिन शो नहीं हो रहे अकाउंट में। तो फिर ना हम इत्तेफाक से हम शॉप पर ही गए ना, तो शॉप वाले ने जब हमने दिखाया वो मैसेज, तो उसने बताया कि ये स्कैम कॉलर है। उसने ये बताया कि जो स्कैम कॉलर होते हैं ना, वो प्राइवेट नंबर से मैसेज करते हैं, जैसे जो किसी भी कंट्री का कोड होगा ना स्टार्टिंग में वो लगा होगा कोई, जैसे पाकिस्तान का 92 है और USA का कोई डिफरेंट कोड होते हैं ना, ऐसे ही कोड लगे होंगे, वो प्राइवेट नंबर से मैसेज करता है। लेकिन जो असली ट्रांजेक्शन होती है ना, मतलब हमारे अकाउंट की, वो एक ही नंबर से आती है, सारी एक ही लिस्ट में होती है, वो 3737 से होती है। तो इसलिए फिर उसने जब क्लियर ये बताया तो फिर हमें जाकर क्लियर हुआ कि स्कैम कॉलर, वरना मैं तो वाकई बेचने वाला था पैसे, बिकॉज के हम ना अच्छे दिल के लोग हैं, तो हम किसी के ना ऐसे पैसे खाते नहीं हैं। अगर चलो किसी की गलती से आ भी जाते तो हम वापस भेजते हैं, बट आजकल ये बहुत स्कैम हो रहा है। तो एक ही तरीका है आइडेंटिफाई करने का, स्कैम कॉलर है या राइट है या ओरिजिनल है। तो देखो जो भी ट्रांजेक्शन आएगी ना, अगर रियल होगी तो 3737 से आएगी, या क्योंकि बैंक का जो अकाउंट नंबर होता है बैंक के नंबर से आती है। तो बट जो फेक होगा वो प्राइवेट कॉल से आएंगी, प्राइवेट कॉलर होंगे जितने भी मतलब बैठे होंगे, प्राइवेट नंबर होंगे सारे, तो उन पे से आएंगे। और इस वीडियो में यही बताना था कि बच के रहो ऐसे स्कैम कॉलर से। और इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।